हरे कृष्ण मित्रों, मेरे चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दिल्ली में लोकसभा चुनाव 7 सीटों पर लड़ा जाना है। कौन से लीडर के प्लैनेट सबसे ज्यादा स्ट्रोंग है, किसके ग्रह दशा नक्षत्र स्ट्रोंग है, किसके भाग्य में लोकसभा की जीत इस बार आएगी, कौन से पार्टी सबसे ज्यादा लोकसभा की सीटें जीतेगी और किसका राज दिल्ली में चलने वाला है, इन सभी चीजों पर हमने देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, अरविंद केजरीवाल जी और राहुल गांधी जी की होरोस्कोप का एनालिसिस किया है और दिल्ली की होरोस्कोप का भी एनालिसिस किया है मेदिनी ज्योतिष के आधार पर। इन चारों की जन्मकुंडली के आधार पर मैं आपको बताऊंगा कि इस बार दिल्ली में सबसे ज्यादा सीटें किसको मिलेंगी, दूसरे नंबर पर कौन रहेगा, तीसरे नंबर पर कौन रहेगा। तो वीडियो को मैं सबसे पहले बताना चाहूंगा कि आम आदमी पार्टी ने अपने सभी कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए हैं। आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी का गठबंधन है, उन्होंने सारे अपने कैंडिडेट डिक्लेयर कर दिए। दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी ने अपने जो लास्ट टाइम उन्होंने उनके 7 कैंडिडेट जीते थे, लोकसभा मेंबर थे, उनमें से केवल मनोज तिवारी अभी तक, जो आज जो मैं ये वीडियो बना रहा हूं उसमें केवल मनोज तिवारी को रखा है, बाकी सभी कैंडिडेट को रिप्लेस कर दिया है। और पूर्वी दिल्ली से जो एग्जिस्टिंग सांसद हैं गौतम गंभीर, उन्होंने टिकट लेने से मना कर दिया, यानी कि चुनाव लड़ने से दोबारा मना कर दिया। दिल्ली के अंदर मैंने पहले भी एक वीडियो बनाया था, आप देखेंगे कि लास्ट वीक मैंने कहा था इस बार भारतीय जनता पार्टी के लिए दिल्ली लोकसभा आसान नहीं होने वाली, और उसका ये जीता जागता उदाहरण है, या मैं कहूंगा मेरी जो भविष्यवाणी अभी तक सत्य साबित होती हुई आ रही है। गौतम गंभीर का चुनाव लड़ने से मना करना, हर्षवर्धन का राजनीति से संन्यास लेना और कार्यकर्ताओं में मनोज तिवारी का पुरजोर विरोध होना, जो कार्यकर्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के वो मनोज तिवारी का पुरजोर विरोध कर रहे हैं, इससे पता चलता है कि इस बार भारतीय जनता पार्टी को कड़ी टक्कर मिलने वाली है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी इसको एक अवसर के रूप में और प्रचार में ये कह रही है कि भारतीय जनता पार्टी इस बार दिल्ली में 7 सीटें हारेंगी, इसीलिए उनके एग्जिस्टिंग नेता जो लोकसभा से उनको हटा दिया गया है, उनको टिकट नहीं दी गई है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी जानती है कि इन सभी सांसदों ने कार्य नहीं किया। ये आम आदमी पार्टी और कांग्रेस पार्टी कह रही है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं सबसे पहले नरेंद्र मोदी जी की जन्मकुंडली के बारे में, और ये बहुत इंपॉर्टेंट इसलिए भी है कि जिस प्रकार से देश का माहौल बना हुआ है पूरे हिंदुस्तान के अंदर, भारतीय जनता पार्टी में जिस प्रकार से अंदरूनी भीतरघात है, विरोध है, उससे सबसे ज्यादा जो असर देखने को मिलेगा वो मिलेगा नरेंद्र मोदी जी को।
यदि नरेंद्र मोदी जी की जन्म कुंडली में राजयोग नहीं है या प्रधानमंत्री बनना नहीं है तीसरी बार, तो फिर भारतीय जनता पार्टी को इस बार पूर्ण बहुमत नहीं मिलेगा। इसको मैं आपको यदि दूसरे शब्दों में एक्सप्लेन करूं एस्ट्रोलॉजिकली, भारतीय जनता पार्टी के कुछ लीडर्स ऐसा सोच रहे हैं कि पूर्ण बहुमत भारतीय जनता पार्टी को इस बार ना मिले, और यदि पार्टी बहुमत से कम रह जाती है तो कुछ लीडर्स विपक्ष के साथ मिलकर या उनका सहयोग, विपक्ष का मतलब है कुछ जो लोकल पार्टीज है या लीडर्स हैं, उनका सहयोग लेकर वो देश के प्रधानमंत्री बन जाए। क्योंकि ये तो निश्चित है कि सबसे बड़ी पार्टी भारतीय जनता पार्टी रहने वाली है, ये वो भी समझ रहे हैं, लेकिन उनका प्रयास रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी को पूर्ण बहुमत ना मिले दोस्तों। लेकिन नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी की जो जन्म कुंडली है, जो मेरा आकलन है, जो मेरा विश्लेषण है दोनों की कुंडली के आधार पर, मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाएगी। मोदी जी की जन्मकुंडली में मंगल की महादशा चल रही है, जिसके आधार पर मैं कह सकता हूं कि मोदी जी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं। यहां पर मैं अमित शाह जी का भी नाम लिया, उसका कारण है कि यदि किसी कारणवश या 2027 में मैंने जो कहा है स्वेच्छा से, यदि नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा देना चाहेंगे तो अमित शाह जी की जन्मकुंडली इतनी स्ट्रोंग है कि अमित शाह जी ही देश के प्रधानमंत्री बनेंगे 2027 के बाद। दोस्तों यहां पर दो जो मैंने जन्मकुंडली का विश्लेषण किया है वो इसलिए किया है कि जो टिकटों का बंटवारा हो रहा है, जो टिकट्स बांटी जा रही है, उसमें देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और चाणक्य अमित शाह जी बहुत सोच समझकर फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं, और दिल्ली में जो टिकट काटी गई है, मैं यही कहूंगा कि भारतीय जनता पार्टी, नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह जी जानते थे या जानते हैं कि कौन सा कैंडिडेट योग्य है, किसने पिछले 5 वर्षों में कितना कार्य किया, या फिर आने वाले समय में कौन सा कैंडिडेट जीत सके।